अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट की एक्सरसाइज नंबर 2 बैच 4 की डिजी स्किल्स पे। तो वीडियो छोटी सी है, इसका कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक। और अगर आप चैनल पर न्यू हों तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अब हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज। लास्ट डेट जो है वो इसकी 13th of April है। इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हमेशा होती हैं कि MS वर्ड पे होने चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स ये हैं कि RFQ किस तरह से आपने सेंड करनी है, अलीबाबा पे लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, लीड टाइम क्या होता है, प्रॉफिट कैलकुलेटर्स इस तरह से क्या होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं और किस तरह यूज़ किए जाते हैं, और 3PL मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको किस तरह से डिस्कवर किया जाता है। उसके बाद ये है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। 4 हमारे पास क्वेश्चन हैं। पहले में आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है, बाकी आपने रिटर्न टाइप करने हैं। पहले में ये है कि आपने RFQ मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सेंड करनी है अलीबाबा पे किसी भी सप्लायर को, और सेंड करने से पहले आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना। और उसके बाद है जी लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, लीड टाइम क्या होता है, और प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको जब आप कैलकुलेट करें तो आपको किस किस चीज़ की कॉस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से कैलकुलेटर्स हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होती हैं, और ये है कि आपने किस तरह से फाइल सबमिट करानी है। यहाँ पर आके प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यहाँ पर आपने इसको कंट्रोल सी करना सेलेक्ट करके, और जितने अपने पार्ट और इस तरह से आपने फॉर्मेट बना के रखना अपना डॉक्यूमेंट फाइल का, और यहाँ पे आपने सिंपल आके कंट्रोल वी कर देना और इसकी अच्छी सी फॉर्मेटिंग कर लेनी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जिस तरह खूबसूरत लगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन ये है कि अलीबाबा पे किसी भी सप्लायर का कोटेशन सेंड करनी है, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपने ब्राउज़र में चल जाना, यहाँ पर आपने टाइप करना है अलीबाबा, तो यहाँ पे ये टाइप कर लिया जल्दी से, और यहाँ पे आपने जो अलीबाबा की ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर आपने जाना, ठीक है, ये थोड़ा सा ड्रैग डाउन करके नीचे आएंगे, alibaba.com आपको नज़र आ रहा है, मैन्युफैक्चरर्स सप्लायर्स एक्सपोर्टर्स, इस पर आपने क्लिक करना है और आपके पास इस तरह से जो है इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा है प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों में एक ही चीज़ है, हम चले जाते हैं, आपने चले जाना मर्जी है आपके, मैन्युफैक्चरर्स पे चल जाएंगे। अगर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, प्रोडक्ट्स में जाके भी क्लिक करेंगे तो इसी तरह से आपके सामने नज़र आएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का ये है जी विंडो का इंटरफेस इस तरह से, और ये आपको जो है ये ऊपर नज़र आ रहा है ना टेल अस व्हाट यू लुकिंग फॉर, यहाँ पे हम आपने अपनी मर्जी का कोई भी कीवर्ड लिख देना। यहाँ पे हमने सूप लिख लिया, जैसे ही आप लिखेंगे ना ये खुद ब खुद ही एंटर हो जाता है, मूव कर जाता है। ये है जी नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम आ रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी डाइनवेयर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होती है, और यहाँ पे स्पेसिफाई प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स ये ऑप्शनल है, मर्जी है रखनी है, सेलेक्ट करना है तो कर लें, नहीं करना तो इसको छोड़ दें, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नॉन कर दें या अदर्स कर दें, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, अदर कर देते हैं। मटेरियल में भी आपने यहाँ पे अगर कोई मिलता है आपको वुडन सूप बॉल चाहिए तो आप वो वुडन कर सकते हैं, सिलिकॉन के चाहिए, ग्लास के चाहिए, क्ले के चाहिए, एलुमिनियम के चाहिए तो ये आपको सारा कुछ, यहाँ पे आपने स्टेनलेस स्टील के चाहिए तो आपको ये सारा कुछ सिलेक्ट करने और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और फीचर्स में अपने स्टॉक डिस्पोजेबल इस तरह से जो भी आपने रखना वो आप रख रहे तो अदर कार्ड सेलेक्ट अरेंज करनी है जी आपने लेस दैन 1000, ये आपने USD ही रखना। उसके बाद है सोर्सिंग क्वांटिटी, सोर्सिंग क्वांटिटी है आपकी मैक्सिमम आप 500 रख लें, क्योंकि आपने बल्क में लेनी होती है अलीबाबा से चीज़, या जितनी भी आप रखना चाहें 1000 पीसीज या 700 पीसीज, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आपने प्लांट्स अगर अपनी कैटेगरी रखी है तो प्लांट चूज़ करें, पीसीज हैं तो पीसीज रखें, पेयर्स हैं तो फॉर एग्जांपल ज्वेलरी है तो उसमें आपके पेयर्स आ जाते हैं तो आप पेयर्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से है, आपने जो भी चूज़ करना है अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आप कर सकते हैं। उसके बाद है जो ट्रेड टर्म्स, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है DDU, ठीक है, ड्यूटी एंड फिर उसके बाद है डिटेल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हम लुकिंग पर, यहाँ पे आपने लिखना है लुकिंग पर सूप बॉल, या आपने जो भी कीवर्ड लिखा है विच स्लाइस अंडर
range of less than grey और वाइट एंड आई वॉन्ट टू टेस्ट 500 pieces। यहाँ पे आप अपनी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। एक्सेल में किसी ने बना के रखी होती है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स ये, कलर ये हो, रेंज ये हो, पीसीज इतने चाहिए, किस किस मटेरियल का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल जो है वो यहाँ पे टाइप करनी है। यहाँ पे मैंने कर दी। उसके बाद है कस्टमाइज़ सप्लायर्स पर प्रेफरेंसेस, ये ऑप्शनल है, ये आपने नहीं करना, इसको आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं, ठीक है जी। और उसके बाद है आपने ये जो है आपने अभी भी जो भी किया है ना, इसका आपने ये है आई एग्री टू शेयर माय, इस बॉक्स को आपने चेक कर देना है और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके पूरी स्क्रीन को, और आपने इसका लेना स्क्रीनशॉट इनवाइट से ब्राइज टू गो, और यहाँ पे आपने क्लिक करें या ना करें ये आपकी मर्ज़ी है। आपने स्क्रीनशॉट इसी का प्रोवाइड करना, बेहतर है कि अभी आप इनवाइट इस पर क्लिक ना करें, ठीक है। तो आपने क्या करना, स्निपिंग टूल पर चले जाना, या आपको स्क्रीनशॉट की आती है शॉर्टकट की तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम चले जाते हैं स्निपिंग टूल में। इस तरह से हर एक में होता है स्निपिंग टूल, आप सर्च करेंगे ना सर्च बार में तो आपको नज़र आ जाएगा। न्यू में क्लिक करेंगे और इस तरह से आपने अपना रिक्वायर्ड एरिया जो है वो सिलेक्ट करना और उसका ले लेना है आपने स्क्रीन शॉट, और यहाँ पर आपने कर देना पेस्ट। उसके बाद सेकेंड में एक लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, लीड टाइम क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर दो हेडिंग्स बना ले लिया, लैंडिंग कॉस्ट की और लीड टाइम की। उसके बाद सबसे पहले लैंडिंग कॉस्ट, ये आपने क्या करना, ब्राउज़र में जाना और यहाँ पे आपने जाके सर्च करना व्हाट इज़ लैंडिंग कॉस्ट, ठीक है। सिंपल हम ये लिख लेते हैं व्हाट इज़ लैंडिंग कॉस्ट, ये अपने अच्छे सजेशन में भी नज़र आ रहा होगा। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना, आपके सामने जो पहली चीज़ है कि नहीं ये, इसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है राइट क्लिक करके और कंट्रोल सी करेंगे और अपनी फाइल पर जाके, डॉक्यूमेंट फाइल पर जाके कंट्रोल वी कर देंगे और ये आपकी हो जाएगी पेस्ट। और इसको खूबसूरती से आपने एडजस्टमेंट इसकी कर लेनी है, ठीक है, इसकी हो गई। इसके बाद है लीडिंग टाइम, ये आपको नहीं मिलेगा, ये आप लिख लें जो आपको लिखवाया जा रहा है, ठीक है। लीडिंग टाइम इज़ अ लेंटेसी बिटवीन द इनिशिएशन एंड कंप्लीशन ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। शुरू से लेके एंड तक जो भी प्रोसेस टाइम होता है उसको हम लीडिंग टाइम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट का कौन सी कॉस्ट आपको बताना चाहिए, आप लिख लें बिफोर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट वी मस्ट नाउ अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स, शिपिंग प्राइसेस, मार्केटिंग कॉस्ट एंड अदर वेरिएबल्स कॉस्ट लाइक FBA कॉस्ट होगी, स्टोरेज फीस होगी, रिटर्न होगी। और कैलकुलेटर कौन से यूज़ होते हैं, यूजली FBA कैलकुलेटर और हीलियम 10 प्रॉफिट कैलकुलेटर यूज़ होते हैं। उसके बाद है 3PL क्या था, व्हाट इज़ 3PL, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे एक भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना लिंक तो आपका मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हम कोई भी ओपन करके लिख लेते हैं। या फिर आपको नहीं मिल रही तो आप लिख लें डेफिनेशन ऑफ 3PL, तो यहाँ से इतनी सी लाइन आपने 3PL स्टैंड फॉर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और द टर्म थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स इज ऑफन आल्सो यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए। ऑर्डर फुलफिलमेंट बेसिकली ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यूज़ होती है सर्विस, और ये आपने टू द पॉइंट जो है यहाँ पे आंसर जो है वो कर देना और मतलब टाइप कर देना और इसकी प्यारी सी करके यहाँ पे हमें सबमिट करना, अपने रिक्वायर्ड पार्ट सेलेक्ट करनी है, ओपन पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करें आपकी फाइल हो जाएगी सेलेक्ट, और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। ग्रीन बार आएगी सामने आपकी फाइल होगी सबमिट। वीडियो हमारी यही तक थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी, और जल्द से जल्द नहीं तो फिर रमजान मुबारक। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर